जैसे रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो एक खाद्य तेलों पर एक अहम खबर निकल कर सामने आई कि जो सरकार है अब पाम ऑयल को रिप्लेस करने के लिए राइस ब्रैन ऑयल यानी कि चावल के भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाने की बात कर रही है। और देख भी रहे हैं कि जो चावल का जो स्टॉक है, जो प्रोडक्शन है, अपने भारत में काफ़ी अच्छे लेवल्स पर रहता है हर साल। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरकार ने ये कदम उठाया है, तो क्या इससे जो घरेलू किसान है उनको फायदा मिल पाएगा? देखिए, जो राइस ब्रैन ऑयल तो पहले भी यहाँ पर काफी यूज किया जाता है, लेकिन हाँ अब उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की जिस तरीके से बात की जा रही है, और हो सकता है कि इसको मतलब एडिबल ऑयल जिस तरीके से उनके प्राइसेस हैं, और राइस ब्रैन ऑयल जो है उससे सस्ता मिलता है, और काफी हद तक इसको माना भी जाता है कि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो हो सकता है कि इससे अगर राइस ब्रैन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो एडिबल ऑयल की प्राइसेस की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, और मांग को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा सके कि लोग इसका भी यूटिलाइजेशन ज्यादा कर पाए। ओवरऑल अभी अगर हम एडिबल ऑयल के ट्रेंड की बात करें तो अभी फिलहाल बाजार वीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि खाद्य तेलों की कीमतें जो है हाजिर में हो सकता है कि आपको फेस्टिवल सीजन के चलते थोड़ी बहुत तेज होती हुई दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफी वीक नजर आ रहा है। जी,